stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the eyes of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not. गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, टू ऑल द मुस्लिम्स आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड टू ऑल माय नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एज वेल। तो हम लोग शुरू वहाँ से ही करेंगे। मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और आई होप कि आपका ये मंथ बहुत अच्छा गुजरे। तो बेसिकली जैसा कि आप लोगों जानते हैं आप लोग कि मैंने कोई क्यू एंड ए सेशन सोचा था कि करूँगा और कोई क्यू एंड ए वीडियो बनाऊँगा बिफोर वी हिट अवर माइल स्टोन 10K। दैट इज़ एक्चुअली वी आर सो क्लोज, लाइक 80 मोर सब्सक्राइबर्स रिमेनिंग गाइज, एंड वी आर सो क्लोज ऑन हिटिंग दैट माइल स्टोन आई बीन वेटिंग फॉर। और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जिन्होंने दिए, मैं उनको बहुत बहुत दिल से आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम टू राइट द क्वेश्चन। उनको फीचर भी करने वाला हूँ। और पिछली वीडियो पर आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, मैंने मतलब अच्छे अच्छे कॉमेंट्स पढ़े और अच्छा लाइक रिस्पॉन्स भी आपका अच्छा था। तो यार देखो, जब आप बंदा एक सेंसिबल और एक ऐसी वीडियो बना सकते हो जो दूसरों को एक्नॉलेजमेंट करे, मतलब दूसरों को समझ भी आए वो वीडियो, तो सही है। बगैर किसी गाली के, बगैर रोस्ट किए, बगैर किसी को बदनाम किए, आप आराम से एक वीडियो बनाओ जिसमें आप सेंसिबल बातें करो। क्योंकि आप अगर गाली दोगे या ये काम करोगे, एक्सपोज करोगे, वो आजकल कौन नहीं कर रहा, कौन ये काम नहीं कर रहा। तो यार एक इंसान को तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो अक्लमंदी वाली वीडियो बनाए और सुकून से करे बात अपनी, और यूँ ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे किसी भी चीज़ को। तो मैंने तो अपना ओपिनियन रख दिया था, आगे उन लोगों की मर्ज़ी है। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था बहुत, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हम लोग शुरू करते हैं अपने क्यू एंड ए का पहला क्वेश्चन, जो कि आया है टू चोलो पैलेस की तरफ से। जैसा आप लोग देख सकते हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, यू आर रियली नियर टू 10K। हाँ मैन, क्या बताऊँ आपको फीलिंग अपनी। ये वो माइलस्टोन है, लिटरली दिस इज़ द माइलस्टोन आई बीन वेटिंग फॉर सिंस 2016, और अब 4 साल गुजर चुके हैं। आप लोग कहेंगे कि इतने छोटे माइलस्टोन को इंतज़ार कर रहे थे। यार देखो, ये वो पहला माइलस्टोन है मेरे चैनल का जो मैं हिट करूँगा। आगे मुझे नहीं पता कि कब तक मैं इस चैनल को कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन ये वो पहला माइलस्टोन होगा जो हम लोग हिट करेंगे अपने 1 लाख सब्सक्राइबर से पहले, और या 50K का मतलब फोर्थ क्वार्टर ऑफ द माइलस्टोन। और ये वो माइलस्टोन है जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि 5000 हुए, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000। ये फीलिंग आप लोग नहीं समझोगे, ये फीलिंग वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से इतना डेडिकेशन के साथ चैनल खोला और वीडियोस बनाई हो बगैर किसी चीज़ को फ़ायदे में रख के, कि मेरे पैसे आ रहे हैं, मेरी मुझे फेम मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो बस फीलिंग बहुत अच्छी है और बहुत अकॉम्प्लिशमेंट फील हो रही है कि अच्छा लोगों को लगा कि उन्होंने सब्सक्राइब भी किया मेरा चैनल और हम 10,000 के क्लोज हैं, थैंक यू सो मच। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है यूनिवर्स ऑफ बजट की तरफ से, विल यू डू रिएक्शन वीडियोस एंड डू यू हैव अ BF। तो बेसिकली विल यू डू रिएक्शन वीडियोस, फर्स्टली आई एम गोना आंसर दैट। देखो, रिएक्शन वीडियोस मेरा कोई इतना खास होता नहीं, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है यार, आधी आवाम तो जाती ही रिएक्शन वीडियोस लड़कियों की देखने हैं, ठीक है ना। जो लड़के होते हैं, अगर कोई लड़का भी करे तो उसके साथ भी लड़की होना ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी बातें सेंसिबल लगती हैं और अच्छी लगती हैं, मैं क्योंकि पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है ना, सीधी, अगर आप लोगों को सेंसिबल और अच्छी बातें लगती हैं तो आप लोग मुझे कोई वीडियो दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सीरियसली मैं उस पर रिएक्शन दूँ अपना और अपना ओपिनियन रखूँ सामने, तो आप लोग लाजमी कॉमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, और मैं उसका आगे रिएक्शन फर्दर दूंगा भी। तो जो उसका अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड। यार देखो, आप सारे मेरी जो YouTube की कम्युनिटी है ना, आप सारे ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है ना।
मैं आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल्स में कंसिडर करता हूँ, मैं आप लोगों को फैंस या ये नहीं समझता, ठीक है ना। क्योंकि जितना मोटिवेट आप लोग मुझे करते हो अपनी कमेंट्स के साथ, ठीक है, उसमें हेटफुल कमेंट्स भी हैं, लेकिन अच्छी कमेंट्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इतनी कमेंट्स मुझे मेरे दोस्तों ने भी नहीं की थी जितनी आप लोग मुझे कमेंट्स देते हो इन रियल लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो। मैं शुरू से बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन था, शाय पर्सन था, यू नो, लेकिन बाद में जब आप लोगों के कमेंट्स और ये सारी चीज़ें मुझे मिली, इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया, मेरी जो पॉपुलर वीडियोस हुई उन पे आप लोगों के कमेंट्स और गेमिंग वीडियोस पे कमेंट्स, रिएक्शन पे कमेंट्स, तो ये चीज़ें यार मुझे मतलब बताती हैं कि कोई तो है जो आपकी केयर भी करता है आपके पीछे। तो बस थैंक यू सो मच, मैं यही आप लोगों को कहूँगा, ऑलवेज आपकी सपोर्ट, एक एक कॉमेंट आपका, एक एक लाइक, एक एक व्यू मेरे लिए मैटर करता है। और मैं वो नहीं हूँ बड़े यूट्यूबर्स में से कि छोटे अपने पुराने सब्सक्राइबर्स को भूल जाऊँगा या अपने पुराने मतलब जो भी मुझे फॉलो करते हैं उनको भूल जाऊँगा। हमेशा आप लोगों की इज्जत और आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा काम है, ताकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करूँ जिसमें मेरी खुद भी इज्जत आप लोग करें। तो ये आपका आंसर था, थैंक यू सो मच, आपके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग थे। अल्टीमेट वाइटी का अगला क्वेश्चन आता है, विल देयर बी एनी 10K स्पेशल वीडियो। 10K स्पेशल वीडियो तो एक होने वाली है और बहुत ही मैंने अच्छी बनानी है, वो मैंने सोचा उसमें थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स भी करने हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को एक जर्नी अपनी बतानी है, सारी शुरू से स्टोरी बताऊंगा और इस दफ़ा सिनेमैटिक शॉट्स में बताऊंगा। और एक सोचा कि आप लोगों के लिए अपना सेटअप भी लाना है, जो आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि अपना सेटअप शो करवाओ, सेटअप शो करवाओ लाजमी, तो आप लोगों को सेटअप भी शो करवाऊंगा, सारा कुछ अपना उसमें दिखाऊंगा। विल यू अपलोड मोर GTA कंटेंट? श्योरली, अगर मौका मिला तो वो भी ज़रूर करूंगा। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है BTW TV की तरफ से, व्हाई डिड यू मेड होना चाहिए मेड दिस चैनल, व्हाई डू यू मेक दिस चैनल, उनका सवाल है बेसिकली। अच्छा, तो यार जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, आज से 4 साल पहले ये चैनल बनाया था, और इस चैनल का मकसद सिर्फ लोगों तक गेम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, ठीक है ना। जब मैं अपनी छोटी एज में था, मतलब 12 to 10 ईयर्स कहूँगा मेरे ख्याल से, तब मैं गेम्स वगैरह जब खेला करता था, क्योंकि उस वक्त तो आपके पास काफ़ी टाइम होता था, तो मैं सोचता था कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मुझे मज़ा आ रहा है गेम्स के अंदर, वो दूसरों के साथ भी शेयर करता हूँ। क्या पता कोई और मेरे जैसा भी बैठा हो, अगर उसके पास गेम नहीं भी है और वो मोमेंट्स ऐसी देखना चाह रहा है, गेम प्ले देखना चाह रहा है, तो उसको भी इंटरेस्टिंग लग रही हो। तो उसके साथ साथ मैं ऐसे वैसे शुरू करता गया, रोब्लॉक्स से जर्नी शुरू की, काफ़ी सारे माइनक्राफ्ट बच्चों वाली गेम्स सारी खेल ली हैं मैंने। उसके बाद आहिस्ता करके क्वालिटी इतनी क्रैप थी मेरी, कभी भी आप ये ना समझना कि आप लोग कोई चीज़ शुरू नहीं कर सकते बगैर यू नो अच्छी क्वालिटी की, और ये चीज़ें मेरी इतनी ख़राब क्वालिटी थी, और मुझे इतने गंदे कॉमेंट्स आते थे उस वक्त वगैरह वगैरह के, यूट्यूब छोड़ दो और ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने भी फेस की हैं। उसके बाद आहिस्ता मैंने सब कुछ सीखा, एडिटिंग सीखी, अपनी क्वालिटी को अच्छा किया और सारा कुछ किया, तो टाइम लगता है। मेन पर्पज़ मेरा यही था कि आप लोगों को इंटरटेन किया जाए और आप लोगों के लिए थोड़ी नॉलेजमेंट की वीडियोस बनाई जाएं, बस ये मेरा चैनल का पर्पज़ था। हाउ ओल्ड आर यू, सेकंड क्वेश्चन उनका। यार मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ, और इस साल मेरी अगर आप मतलब ज़्यादा इतना मुझे डिटेल से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप लोग वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरी अक्टूबर में बर्थडे है, तो मैं इस साल 18 का हो जाऊँगा, अभी मैं 17 का हूँ। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे कुछ, और शाउट आउट्स भी मैंने शुरू में दे दिए। ये हमारा लास्ट Q&A था 10K से पहले का। अब लोग कहेंगे कि आपने फेस कैम क्यों नहीं किया, तो यार ये जो सेटअप वीडियो थी ना मेरी, उसमें असल में मैं काफ़ी कुछ नया मतलब थोड़ा सा कर रहा था, 2-3 चीज़ें मैंने चेंज भी की हैं, ताकि वो बाद में आप लोगों को अच्छा, जब मैं सेटअप शो करवाऊँ अपना 10K पे, तो थोड़ा अच्छा लगे। मैंने 2-3 चीज़ें इंप्रूव की हैं उसके अंदर, और कमरे की भी थोड़ी फर्निशिंग वगैरह हो रही थी, मेरे थोड़ा काम हो रहा था, तो इसलिए मैं अभी फेस कैम करना नहीं चाहता था, ताकि क्वालिटी में फ़र्क ना पड़े, और बस आप लोग इसको समझ लें, इम्प्रोवाइज़ कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर ऑलवेज शोइंग योर सपोर्ट। मेरी अगली वीडियो अब आएगी जब हम 10K हिट करेंगे, और आई होप वी हिट दैट माइलस्टोन रियली सून। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट इट। माय नेम इज़ एक्सपर्ट गाय, एंड आई एम साइनिंग आउट गाइस, पीस।